छात्र आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 34 का हल करना। और जैसे कि पता आप लोगों को ये चैप्टर 16 से है, आर्टिकल से है। तो आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, अ एंड द। तो यहाँ पे हमको केवल पढ़ना है अभी यूज ऑफ अ एंड, यानी कि अ और एंड का प्रयोग। और ये हम समझ लेंगे तो हमसे जो है 34 एक्सरसाइज बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, पुट अ एंड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज इफ देयर इज नो नीड ऑफ अ एंड पुट अ क्रॉस मार्क। यानी कि कहने का मतलब है कि पुट ओ एन, यानी कि ओ और एन का जो है यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहा है उसमें प्रयोग करना है, बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स से पहले या फिर फ्रेजेज यानी वाक्यांश से पहले, इन वाक्यांश या फिर वर्ड्स से पहले जो है आपको ओ एन का प्रयोग करना है। इफ दे आर नो नीड ऑफ, यानी कि यदि ना जरूरत हो ओ एन, यानी ओ एन की आवश्यकता न हो, पुट अ क्रॉस मार्क, तो आपको क्रॉस मार्क ऐसा कट्टो लगाना है। ठीक है, आप समझ गए क्या करना है। अब आपको समझना है कि ओ और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ओ और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ओ और एन का प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन में। इसमें प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में जो है हम लोग ओ और एन का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और दूसरा होता है कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। इन दोनों में जो है ओ और एन का प्रयोग किया जाता है। और यहां पे हमें समझना है कि ओ एन का प्रयोग कहां करें। तो आप वोवेल और कॉन्सोनेंट जानते होंगे, ए ई आई ओ और यू, ये पांच जो है ये वोवेल है, ये पांच वोवेल है, और बाकी जो 26 लेटर में पांच हटा दीजिए, बाकी बचा कॉन्सोनेंट। यदि इससे उच्चारण हो, यदि इससे उच्चारण हो तो आपको एन का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग। अगर इससे उच्चारण न हो तो फिर आपको ओ का प्रयोग करना है। किसमें, वो भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर में, सिंगुलर में, सिंगुलर और प्लूरल जानते हैं आप, सिंगुलर यानी एक की संख्या रहे उसी में, बाकी में नहीं। तो यहाँ देखिए आपको एन का प्रयोग किसमें करना है, जिसका उच्चारण हो। इससे स्पेलिंग शुरुआत से मतलब नहीं है, इससे उच्चारण हो तभी आपको एन का प्रयोग करना है, अगर इससे उच्चारण ना हो तो फिर अ का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट है, यू एन आई टी, तो देखिए इसी में से है, यू से है, लेकिन यूनिट हम जो बोलते हैं तो यू बोलाता है, यू देखिए जो कि एक व्यंजन है, क्या है व्यंजन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा या एन, तो यहाँ पे ओ आएगा, ओ। ठीक है, आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं एम ए, एम ए, बोले एम ए, अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, ओ या एन। यहाँ पे एम से जो है उच्चारण जो है, यहाँ पे शुरुआत है स्पेलिंग एम से, लेकिन उच्चारण देखिए एम, एम जो कि ए आ रहा है पहले, ये क्या है, ये स्वर है, तो यहाँ पे एन आएगा, क्या आएगा, आयन। आप समझ गए हैं, यदि इससे उच्चारण हो, स्पेलिंग कुछ से भी हो, या तो वोवेल से हो या कॉन्सोनेंट से हो, यदि उच्चारण जो हो ये वोवेल से हो तो आपको एन का प्रयोग करना है, यदि उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो तो आपको अ का प्रयोग करना है। ठीक है, वो भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर में, प्लूरल में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में तो जरूरत ही नहीं है। चलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे स्पेलिंग ओ से है जो कि वोवेल से है, लेकिन उच्चारण भी इसका जो है वोवेल ही है, ऑरेंज, ऑरेंज, तो यहाँ पे एन आएगा, क्या आएगा, एन, ऑरेंज। एप्पल, तो ए से ही उच्चारण आ रहा है, और जो है ये वोवेल है, तो यहाँ भी एन आएगा, एन। अब देखिए एंट, तो यहाँ भी जो उच्चारण ए से ही आ रहा है, और ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो एन आएगा, क्या आएगा, एन। और यहाँ देखिए एलिफेंट, तो ये भी उच्चारण ए से ही आ रहा है, और स्पेलिंग भी ई से है, यानी कि वोवेल से ही है, तो यहाँ पे एन आएगा, और ये काउंटेबल नाउन है। काउ, काउ, यानी कि कॉ का उच्चारण आ रहा है जो कि व्यंजन है, तो यहाँ पे अ आएगा, क्या आएगा, अ। अब चाइल्ड, तो चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड यानी च का उच्चारण आ रहा है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे अ आएगा। यहाँ पे एक्स, एक्स यानी अंडे, ये प्लूरल है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो है काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो है आपको ओ एन का प्रयोग नहीं करना है। अम्ब्रेलाज, ये भी जो है काउंटेबल नाउन है लेकिन ये प्लूरल है, तो इसमें आपको ओ एन का प्रयोग नहीं करना है। इंक, इंक ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तो इसमें भी आपको ओ एन का प्रयोग नहीं करना है। और देखिए इंकवेल, इंकवेल एक जो है काउंटेबल नाउन है, और इंक यानी ई से उच्चारण आ रहा है, तो क्या आएगा, एन, एन आएगा। आयल, आयल जो कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तेल है, और इसमें आपको जो है क्रॉस लगाना है, चूंकि इसमें ओ एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए गुड, गुड क्या है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें ओ एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये नाउन के साथ आए जैसे गुड मैन, तो फिर आपको ओ एन का प्रयोग करना है। अब देखिए ये क्या है, गुड बुक, जो कि नाउन के साथ आया, और यहाँ पे जो है इसी का देखना होगा, गुड यानी गौ से उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे अ आएगा, अ गुड बुक, गुड बुक्स, ये जो है प्लूरल है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे ओ एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए ऑनेस्ट,
तो ऑनेस्ट ये countable noun नहीं है, countable noun नहीं है, ये abstract noun है, तो यहाँ पे ओ एन का प्रयोग नहीं होगा। अब ऑनेस्ट बॉय, देखिए ये noun के साथ आया तो ये countable noun में गिना जाएगा, और यहाँ पे ऑनेस्ट यानी ओ का उच्चारण आ रहा है ओ, ठीक है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट बॉयज ये जो है countable noun है, लेकिन यहाँ पे बॉयज है प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको ओ एन का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए गुड एप्पल, तो यहाँ पे आपको जो है ओ एन का प्रयोग करना है, गुड एप्पल यानी अच्छा सेब, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जी यानी कि ग, इसका उच्चारण देखना है, इसका नहीं, अ का उच्चारण नहीं देखना है, इसका देखना है, तो यहाँ पे अ का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब देखिए स्वीट एप्पल्स, एप्पल्स जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे अ एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक, तो यहाँ पे आइडियल यानी आ, ठीक है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, चूंकि ये जो काउंटेबल नाउन है एन। अब देखिए एक्टर, तो एक्टर यानी ए से उच्चारण आ रहा है, देख रहे हैं, तो एन का प्रयोग होगा, और ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। आर्टिस्ट, इसमें भी जो आपको एन का ही प्रयोग करना है, आर्टिस्ट कलाकार, और यहाँ पे जो है आ यानी कि स्वर का उच्चारण आ रहा है। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, गुड आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट के साथ जो है गुड आ गया, यानी अच्छा कलाकार, तो ये काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे हमें जो है इसका देखना है, इसका नहीं देखना है, अ का नहीं देखना है, इसका देखना है, यानी कि ग का उच्चारण, यानी कि जो कि एक व्यंजन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ गुड आर्टिस्ट, कुछ और है। अब देखिए आवर, आवर मतलब घंटा, तो यहाँ पे देखिए एच से शुरू है, लेकिन आवर आ से बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे एन आएगा, एन, ये काउंटेबल नाउन है। आवर्स ये प्लूरल है, तो कोई टेंशन नहीं, सीधा क्रॉस मारिए, क्योंकि प्लूरल में नहीं लगाना है। हाउस, हाउस यानी हॉ का उच्चारण आ रहा है, और ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो आपको यहाँ पे अ का प्रयोग करना है, चूंकि हॉ का उच्चारण आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे स्पेलिंग देखिए यू से है, जो कि वॉवल है। अब हम उच्चारण करें यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू आएगा, ऐसे आएगा, देखिए यू, यू क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आपको जो है अ का प्रयोग करना है, क्या करना है, अ का प्रयोग। अब देखिए यूरोपियंस, तो ये तो प्लूरल है, कोई टेंशन नहीं, सीधा क्रॉस मारिए, यहाँ पे अ एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यूरोपियन, तो यहाँ पे यूरोपियन यानी ये भी यूएस से आ रहा है, देख रहे हैं यू से, तो यहाँ पे जो है आपको ई से शुरुआत हो रहा है, स्पेलिंग ई से है, लेकिन ये आपको यहाँ पे अ का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जो है उच्चारण इसका जो है ये व्यंजन है, उच्चारण इसका व्यंजन है। इंडियन, इंडियन ई, ई आ रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, इंडियन। अब देखिए इंडियंस जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे अ एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए एग, एग मिस अंडा, तो यहाँ पे देखिए एग जो है ई से शुरुआत है, और उच्चारण भी इसका एग यानी ए से ही आ रहा है, तो यहाँ पे एन आएगा, और ये एक जो है काउंटेबल नाउन सिंगुलर है। अब देखिए ऑक्सीन, जो कि ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पे ओ एन का प्रयोग नहीं करना है। वाटर ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तो यहाँ भी आपको ओ एन का प्रयोग नहीं करना है। राइस यानी चावल, ये भी काउंटेबल नाउन नहीं है, आपको ओ एन का प्रयोग नहीं करना है। एम ए, एम ए ये काउंटेबल नाउन है, एम ए, तो एम, एम को देखिए एम, यहाँ पे हम बताए थे एम, यही है एम, तो ए क्या है, ए स्वर है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, क्या होगा, एन, एन। अब बी ए, तो बी ए, बी का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको अ का प्रयोग करना है, ये एक व्यंजन है। अब देखिए एम पी, तो यहाँ पे ए का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एन का प्रयोग करना है। अब देखिए एस डी ओ, एस, तो ए से आ रहा है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन। अब क्या है, देखिए बी डी ओ, तो बी से उच्चारण आ रहा है, यानी कि बॉस से, तो यहाँ पे आपको अ का प्रयोग करना है, चूंकि एक व्यंजन है। उर्दू, उर्दू ऊ से उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे एन आएगा, एन। अब देखिए उर्दू पोएट, ये भी जो काउंटेबल नाउन ही है, और उर्दू यानी ऊ से उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इंग्लिश स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी, तो यहाँ पे इंग्लिश स्टोरी एक काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे आपको ओ एन का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए ई से शुरुआत है, इंग्लिश स्टोरी, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करना होगा। अब देखिए यंग मैन, यंग मैन, यहाँ पे देखिए वाई से शुरुआत है, और यंग यो से ही आ रहा है, उसका उच्चारण भी यो से ही आ रहा है, तो यहाँ पे अ का जो है प्रयोग होगा। अब देखिए इंजीनियर्स, जो कि एक प्लूरल है, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं प्रयोग करना है, कटो दीजिए। वेरी गुड इंजीनियर्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं प्रयोग हुआ, क्योंकि वेरी गुड इंजीनियर्स आ गया है, और यहाँ पे हमें ओ एन का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि बहुत अच्छा अभियंता। वन साइडेड गेम, वन साइडेड गेम, तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है ओ एन का। वन साइडेड गेम यानी वन, व से उच्चारण आ रहा है, व से, ओ से स्पेलिंग शुरुआत है ओ से, लेकिन आपको उच्चारण जो है व से आ रहा है, जो कि व्यंजन है, तो आपको यहाँ पे ओ का प्रयोग करना है। इसमें भी आपको देखिए वन रुपी नोट, यानी एक रुपये का नोट, तो इसमें भी व का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ओ का प्रयोग करना है। वन आइड मैन यानी एक आँख वाला आदमी, तो यहाँ पे वन यानी व का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे अ ही प्रयोग होगा।